पहले से ही कई बड़े अवार्ड अपने नाम करने वाले डॉक्टर संदीप मारवा के नाम एक और सम्मान का इजाफा हुआ है। नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में फेलिसिटेशन ऑफ डॉक्टर संदीप मारवा बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 5वीं बार संदीप मारवा ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में प्रवेश किया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, आफ्ट और ICMEI के संस्थापक डॉक्टर दिवाकर सुकुल, अध्यक्ष वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन शामिल रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म की भी स्क्रीनिंग की गई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय देशों की कला, संस्कृति और मनोरंजन जगत में किए गए अनंत कार्यों के लिए डॉक्टर दिवाकर सुकुल द्वारा संदीप मारवा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा विश्व स्तर पर सबसे बड़ी संख्या में लघु फिल्मों के निर्माता हैं और बड़ी संख्या में टेलीविजन कार्यक्रमों, फीचर फिल्मों और प्रशिक्षण फिल्मों से भी जुड़े रहे हैं। आफ्ट और ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज किया गया और मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित किया गया। शॉर्ट डिजिटल फिल्म का आफ्ट फेस्टिवल 114वें संस्करण तक पहुंचने वाला एकमात्र फेस्टिवल है, जो 100 से ज़्यादा देशों के 3000 फिल्म निर्देशकों और 12000 टेक्नीशियनों को अपनी पहली फिल्म को प्रदर्शित करने का अवसर देता है। डॉक्टर दिवाकर सुकुल, अध्यक्ष वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने कहा, जो छात्रों की छुपी हुई प्रतिभा को जान ले वही अच्छा गुरु है। संदीप मारवा में ये काबिलियत है, मुझे उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से सम्मानित करके बहुत खुशी हो रही है। कार्यक्रम में संदीप मारवा द्वारा डॉक्टर दिवाकर सुकुल को लाइफ टाइम मेंबरशिप वर्ल्ड पीस डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर सुकुल का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से यहाँ पधारे हैं और उन्होंने हमारे इस रिकॉर्ड को रिकॉग्नाइज किया है। ये रिकॉर्ड लिखकर हमें पहले भेजना पड़ता है और उनकी संस्था ने उसे स्टडी किया, जांच की और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि वाकई में ये कुछ ऐसा काम हुआ है जो बिल्कुल अलग है और आउट ऑफ बॉक्स है। हम इस ये रिकॉर्ड हमारा 5वीं दफ़ा लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है और इस रिकॉर्ड में, क्योंकि हम लोगों ने 12 से भी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय जो फेस्टिवल्स हैं वो देश और दुनिया को दिए हैं और इन तमाम फेस्टिवलों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बात हो चुकी है कि जिसकी वजह से हमें रिकग्निशन मिलता रहा है। लेकिन इन तमाम फेस्टिवल में से एक फेस्टिवल ऐसा है, AAFT फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स, जिसने 114वां एडिशन पूरा किया है। ये दुनिया का पहला ऐसा फेस्टिवल है जिसने 114 एडिशन कवर किया है। अब तक दुनिया में कोई ऐसे फेस्टिवल नहीं है जो 114 एडिशन तक पहुँचे हों। नहीं, मेरे लिए तो देखिए, मेरे लिए तो सिर्फ कर्म जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा इंसान, और ये है गीता का ज्ञान। सीधी सी बात है कि आप कर्म करते जाइए। ना तो हमने रिवॉर्ड्स के लिए काम किया है और ना ही हमने अवार्ड्स के लिए काम किया है। हम सिर्फ काम करते हैं मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर। ये लोगों का काम है कि अगर हमारे काम में वो कोई एक विभिन्नता ढूंढते हैं, एक उसमें अच्छाई ढूंढते हैं, तो उसके लिए वो हमें अवार्ड भी कर सकते हैं और रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। सर, हमेशा एक नया रिकॉर्ड आप बनाते जा रहे हैं, अपने नाम हासिल करते जा रहे हैं, कई अवार्ड भी आपको मिल चुका है पहले भी, सबका श्रेय आप कहीं देना चाहते हैं? देखिए, सबसे मजे की बात है कि ये मारवा स्टूडियो एक टीम है, जिसके अंदर सभी लोग, मेरे चपरासी से लेकर और मेरे यहाँ के सभी डायरेक्टर, मेरे सभी स्टूडेंट्स, मेरे फैकल्टी मेंबर्स, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और मेरे से मिलने जुलने वाले, मुझे हर बात पे हर रोज़ मेरे से मिलकर मुझे सिखाने वाले और मेरा अपना परिवार, और इसका श्रेय, बहुत सारा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है कि जिनके अच्छे संस्कारों की वजह से मैं यहाँ तक, इस मकाम तक पहुँच सका। I think this event is wonderful.
because first I think honoring Sandeep Marwah ji or Dr. Sandeep Marwah ji is an honor to World Book of Record as well. It is also an honor in the field of creativity and also in some ways that how India is becoming a hub of creativity. I see a lot of younger young people here, and most of you are having a mentor like Sandeep Marwah ji. So when you see him, you can see that how you can use your creativity in a very constructive manner. And how's your experience in Marwah Studio? And When you gave World Book of Records London on Sandeep Marwah, how do you feel? See, I have attended one of your fashion show, and I have seen the passion and dedication towards what you what the Marwah Studio is doing. So I'm very proud that we have someone, you know, or we have the Creativity Institute like Marwah Studio. But also, when you have a mentor like Sandeep Marwah ji, that gives you more courage that you should acknowledge people like them all over the world.